स्मार्ट प्लग फॉर इंस्टेंट वाटर गीजर। इस स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल करके हम नल की मदद से हमारा वाटर गीजर आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर लेके इसको बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर मिलती है हमें एक सर्किट प्लेट, एक सेंसर नोजल और उस सेंसर को कनेक्ट करने के लिए सेंसर वायर। तो चलो शुरू करते हैं बॉक्स फिटिंग सेंसर के साथ। सबसे पहले हमें सेंसर की वायर को बॉक्स के अंदर फिट करना है, उसके बाद प्लग पिन की बॉक्स हमें सेंसर के अंदर फिट करना है। सेंसर की वायर को सर्किट के वायर से कनेक्ट करना है और उसके बाद हमें मेन सप्लाई को कनेक्ट करना है। कलर कोड के हिसाब से हमें वायर का कनेक्शन करना है, ग्रीन टू ग्रीन, रेड टू रेड एंड ब्लैक टू ब्लैक। इस कनेक्टर को आप अच्छी तरह से स्क्रू से फिटिंग कर दीजिए ताकि आगे आपका वायर लूज कनेक्शन ना हो और आसानी से कनेक्टर के बाहर ना निकले। उसके बाद बॉक्स को अच्छी तरह से फिट करना है। अब बारी आती है सेंसर को नोजल में फिट करने की। वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को ही फॉलो करें। सेंसर वायर को फीमेल साइड ही कनेक्ट करना है और उसको अच्छी तरह से स्क्रू से टाइट करना है। अब आते हैं बाथरूम में लगे गीजर के पास। सेंसर को फिट करने से पहले हमें गीजर में जाने वाले पानी की सप्लाई को बंद करना है, उसके बाद ही हमें सेंसर को फिट करना है। और याद रखें, हमें इस सेंसर को यानी नोजल को हमें इनलेट या ठंडे पानी के पास ही लगाना है। नॉर्मली गीजर के पास रेड और ब्लू इंडिकेशन होता है, तो हमें ब्लू साइड ही सेंसर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इनलेट साइड वॉल को ओपन करना है। तो सबसे पहले हमें इनलेट साइड
पाइप को निकालना है। आप इसके लिए नॉर्मली कोई भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें ब्रास से बने हुए नोज़ल को इनलेट साइड कनेक्ट करना है। नोज़ल पाइप कनेक्ट करने से पहले हमें टेफ्लॉन टेप यूज़ करना चाहिए, जो कि प्लम्बिंग के लिए यूज़ होता है। नोज़ल कनेक्ट करने के बाद अच्छी तरह से उसको टाइट किए ताकि पानी लीक ना हो। उसके बाद वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को ही फॉलो करें। नोज़ल को ऊपर साइड ही टाइट करें, नीचे साइड नहीं। बटन चालू करने से पहले हमें इनलेट वाला वॉल्व फिर से ओपन करना है ताकि गीजर में पानी सप्लाई शुरू हो सके।